तो इसमें जो कुछ भी मैं डालूंगी वो एंजॉय करो हैप्पीली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास पैशन। और सबसे पहले मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को रमदान करीम, सबको रमदान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने डेन्यूब होम्स में सेल चल रहा था तो मैंने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत अच्छा सेल चल रहा था और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। और मैंने ये जार्स, ग्लास के जार्स खरीदे हैं। ये 4 जार्स हैं, 1 2 3 4 जार्स हैं। बहुत खूबसूरत जार हैं ये। मैंने 12 दिरहम्स में खरीदे हैं। ये ओरिजिनली थे 25 दिरहम्स के, तो मुझे ये 12 दिरहम्स में मिले हैं। और बहुत ही कलरफुल है इस तरीके से। और मैं मेरे किचन में सारे ग्लास जार्स यूज करती हूँ। मैं कोई भी प्लास्टिक के जार्स यूज नहीं करती। आई हैव गॉट रिड ऑफ प्लास्टिक। और मैं प्लास्टिक सपोर्ट नहीं करती। तो आई हैव बॉट दिस 4 ग्लास जार्स और दे आर वेरी क्यूट। इस पे टमाटर, चिली, कुछ कुछ बना हुआ है, कलरफुल दिखते हैं। और किचन में ऐसी चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। सो आई हैव बॉट दिस। और उसके बाद मैंने खरीदा है, आई बॉट दिस। दिस इज अ नाइस लैम्प। ये एक एंटिक फिनिश का लैम्प है, एक एंटिक फिनिश का लैम्प है। और इस तरीके से है, इसमें ग्लास लगाया हुआ है। देयर इज ग्लास ऑन ऑल द साइड्स, ऑन द ऑल्टरनेट साइड्स, सॉरी, ये ऑल्टरनेट साइड्स पे ग्लास है। यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे ग्लास है। सो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका ये जो फिनिश है, एंटिक फिनिश, वैसे बहुत लैम्प्स मिलते हैं लेकिन मुझे ये एंटिक फिनिश का जो है वो बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से ये खोल के आप अंदर एक टी लाइट कैंडल जो होती है वो आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पीस ऑफ डेकोर बनेगा। सो दिस वाज ओरिजिनली 49 दिरहम्स एंड आई बॉट इट फॉर 14 दिरहम्स 70 फिल्स। मुझे 14 दिरहम्स 70 फिल्स में ऑन सेल मिल गया डेन्यूब होम्स से। ओके, एंड उसके बाद मैंने खरीदा है और एक टी लाइट होल्डर, कैंडल होल्डर। ये ऐसा है, इसमें स्टोन्स लगाए हुए हैं। इसको एक गोल्डन और रफ गोल्डन ऐसी फिनिश दी हुई है। तो और इसमें ये ग्लास जार है तो आप इसको क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा डेकोर पीस आपके लिए बन सकता है। सो आई बॉट दिस। और ये मुझे मिला है, दिस वॉज ओरिजिनली 19 दिरहम्स, ये मुझे 5 दिरहम्स 70 फिल्स में मिला है। Got this for 5 dirhams 70 fils. उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और क्यूट सा एक कैंडल होल्डर है। अभी रमदान आया है सो बहुत सारे लेंटन्स और कैंडल लाइट्स का बहुत अच्छा सेल चल रहा है। सो आई हैव बॉट दिस। ये ऑक्सीडाइज टाइप ऑफ मटेरियल में है और इसमें नीचे ये क्यूट जैसे ऐसे हैंगिंग ऐसे स्टोन्स लगाए हुए हैं। ये पर्पल कलर में है, इसमें 2 कैंडल्स रख सकते हैं आप। ये एक्चुअली एक्वा कलर में भी अच्छा दिखता लेकिन वहां पे नहीं था तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं अभी सोचूंगी ये कहाँ पे रखना है, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। तो ये था 39 दिरहम्स का, ये मुझे मिला है 19 दिरहम्स 50 फील्स में। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और मैंने लिया है ये फ्राइंग पैन। और मैं आपको बता दूं कि ये नॉन स्टिक नहीं है और ये डेन्यूब होम्स का 24 सेंटीमीटर का फ्राइंग पैन है। और ये सेरेमिक कोटिंग का फ्राइंग पैन है। मैं कोई भी नॉनस्टिक चीजें यूज नहीं करती बिकॉज अगर आप गूगल करके देखोगे तो नॉनस्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मेरे आप अगर जाके जो कुकिंग वीडियोस है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे फ्राइंग पैन्स जो है वो सारे स्टील के हैं। मेरे किचन में मैं सारे स्टील के बर्तन यूज करती हूँ। आई डोंट यूज एनी ऑफ दिस नॉन स्टिक थिंग्स। सो दिस इज फ्री फ्रॉम PFOA एंड PTFE।
So this is basically free from all the non-stick chemicals and toxins. So मैंने ये एक ऐसे दो खरीदे थे actually. मैंने already use किया है और मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत मैं बहुत satisfied हूँ इस frying pan को लेके. इसमें कोई butter या oil डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप इसमें egg का omelette बना रहे हो या fry कर रहे हो, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि होमसरस, मैंने होमसरस में भी कुछ सेल चल रहा था तो मैंने होमसरस में से क्या खरीदा है. मैंने होमसरस में से ज्यादा चीजें नहीं खरीदी. मुझे मैंने ये खरीदा है, ये ऐसे छोटे से जो कैंडल लाइट के आपको आपके लिए होल्डर्स रहते हैं, मैंने ये खरीदे हैं. If you see this, this is बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये color. This color was very soothing. इनके इनके बहुत अच्छे colors थे actually. ऐसे मैंने तीन खरीदे हैं, about three of these. Yeah, about three of these. ये आप hang भी कर सकते हो, इसमें आप candle भी रख सकते हो. अगर आप चाहे तो इसमें candle रख सकते हो या आप इसमें कुछ stationery रख सकते हो. आप इसको as a planter use कर सकते हो. तो मुझे इसको लेके बहुत सारे ideas हैं. तो मुझे ये colors भी बहुत अच्छे लगे. इनका ये जो finish है, ये matte वाला finish, ये भी मुझे अच्छा लगा. So I bought these. ये बहुत cute लगेंगे जब each. So I'm very happy with this as well. और मैंने खरीदे हैं ये तीन jars, glass के jars. I bought these three glass jars. खूबसूरत लग रहा है और इस पे लिखा है लव और दो फ्लेमिंगोज है. पता नहीं क्यों मुझे फ्लेमिंगोज अच्छे लगते हैं. अगर आप मेरा वो चाय का मग देखोगे उस पे भी फ्लेमिंगो है. बहुत प्यारा सा बर्ड है ये फ्लेमिंगो. तो ये है, मुझे हैप्पी हैप्पी लगता है जब मैं फ्लेमिंगोज देखती हूँ. तो दीज आर द टू जार्स. ये सेम साइज के दो मैंने ऐसे लिए हैं. टू आई हैव बॉट ऑफ सेम साइज. और वन आई बॉट अ बिग वन. ये भी फ्लेमिंगो है इस पे और इस पे लिखा है एंजॉय एंजॉय. सो इसमें जो कुछ भी मैं डालूंगी वो एंजॉय करो हैप्पीली. सो नाइस, मुझे ये अच्छा लगा. सो ये बड़ा वाला है और ये दो छोटे वाले हैं. तो दैट्स ऑल आई बॉट. और अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है और इन सारी चीजों में से अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन सारी चीजों में से कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी. और लाइक तो यहाँ तक देखा है तो लाइक तो एक बनता है यार. प्लीज एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना और बेल का आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और हैव अ ग्रेट डे. बी हैप्पी. लीव एंड लेट लीव. सी यू नेक्स्ट.